गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं पंजाब पहलां तां कदे नहीं याद आया, उन्हूं पहलां तां कदे पंजाब दे मुद्दे नहीं याद आए, पहलां तां पंजाब च जिहड़ी भ्रिष्ट सियासत सी उह नहीं याद आई, उन्हूं इह किसान अंदोलन दे दौरान ही क्यों आई। और मैं इह दावे नाल कहिंदा कि 2022 दीआं चोणां तों बाद जे गुरनाम चड़ूनी दे हत्थ पल्ले कुछ ना पैगा, उस तों बाद उन्हें कदे भी इत्थे चोण लड़न नहीं आउणा। भावें मिशन पंजाब की गल होवे, भावें मिशन मोहाली की गल होवे, भावें गुरनाम चड़ूनी आ, भावें सोनिया मान आ, भावें कोई होर होवे, जिहड़ा भी बंदा इस मोर्चे दे विच्चों अपने सियासी हित साधना चाहुंदा हैगा, उहदे असीं पूरी तरह जिहड़ा हैगा बरकत। ते हर रोज़ हजार बंदे ने 500 गाजीपुर तो 500 टिकरी बार्डर तो जिहड़ा हैगा वह दिल्ली के अंदर जाना हैगा, जां गिरफ्तारियां होणगियां, जां अंदर पक्का धरना जिहड़ा हैगा वह ला के जिहड़ा बैठांगे। सुदशांत दवे जिड्डा मर्जी वड्डा वकील होवे पर साडी इस लड़ाई तो वड्डा नहीं। तीन खेती कानून जदों तों ही केंद्र सरकार वालों लियांदे गए सी, किसानां वालों लगातार संघर्ष किया गया, इसे तहत ही साल के करीब होने वाला दिल्ली दीआं बरूहां ते किसान डटे हुए ने, लगातार कई रंग वेखे गए ने। इस चल दे विच वेख्या गया कि हर एक नाल दी नाल ही पंजाब दे विच गल कीती जावे तां हर एक पार्टी का भी विरोध किया जा रहा, कई रंग इस मोर्चे में वेखे गए ने। इन्हां बारे अज आपां अगली की रणनीति है ते होर अगले विच की जिते निकल के सामने आउंदे आ इन्हां बारे गल्लबात करांगे। संयुक्त किसान मोर्चा के मैंबर रजिंदर सिंह दीप सिंह वाले नाल आपां सब तों पहलां गल्लबात करिए, मोर्चा हुण किन्ने दा चल रहा ते की रणनीति जिहड़ियां दे विच हुण आ रहियां ने। देखो 26 नवंबर नूं दिल्ली मोर्चे नूं पूरा एक साल हो जाना, पिछले साल जो असीं 25 नवंबर नूं तुरे सी तां 2 दिन लगे दिल्ली पहुँचदे आ, बैरीगेट हटाउंदे आ, उत्थे तक पुलिस नाल झड़पां हुंदियां जिहड़ी उत्थों असीं पहुँचे। तो हुण लोकां नूं इह बेनती है कि जिद्दन एक साल पूरा हो जाणा पंजाब चों ट्रैक्टर ट्रालियां फिर सड़कां ते उवें भरियां जाण। जिहड़ा साडा किसान दा ट्रैक्टर आ ना उह जमीन वाहुण लई आ, उहदे नाल जमीन वाहुणे भी आ ते ट्रैक्टर दे नाल जमीन बचाउणी भी आ। इस करके जिन्हों जिन्हों जमीन दे नाल मोह हैगा सारे आपो अपने ट्रैक्टर दिल्ली के बार्डर ते लैके चलो, क्योंकि जिहड़ा खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर कह रहा ना कि दिल्ली मोर्चियां तो गिणती घट गई, जिवें जिवें किसानां नूं कानून समझ आ रहे आ उवें उवें उह वापस जा रहे आ, हुण तां मुट्ठी भर लोक जिहड़े हैगे आ रहि गए आ। इस करके BJP दे जे दावियां नूं गलत साबित करना तां पहली वरेगंढ ते पंजाब चों लखां लोक हजारां ट्रैक्टर ट्रालियां दे नाल दिल्ली दे बार्डरां वल मार्च करन, उहदियां असीं तैयारियां कर रहे हैगे आ। उहदे वास्ते असीं किरती किसान यूनियन ने सूबा कमेटी की मीटिंग करके फैसला किया जिलियां च मीटिंग करवाउण दा। साडियां माझे दुआबे दे जिलियां च मीटिंगां चल रहियां ने, कल संगरूर मीटिंग सी, हुण मैं लुधियाने मीटिंग जिहड़ी हैगी आ करवा के आया। तो इस तरह पूरे पंजाब च असीं घूम रहे हैं तां कि वड्डी गिणती दे विच 26 तरीक नूं उह इतिहासक घोल दी पहली जिहड़ी वरेगंढ ते लोक जिहड़े दिल्ली आ पहुँचण। जिस तरह तुसीं गल कीती है वख-वख BJP आगू यही कहना है कि वाकई किसान वापस आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कई रंग वेखे 26 की घटना हुई, कई जां गल करिए लखा सधाणा सी जां दीप सिद्धू सीगे, कई अजिहे चेहरे सन कितने कितने वो पासे हो गए, जां कह दईए वी आगूआं वल्लों बयान कीते गए, ये चीज़ों लैके वह चीज़ भी लगता नहीं भी वाकई कितने कितने भी किसान अगे ना थोड़ा मोटो दे पासे होए आ, जो क्योंकि काफ़ी लंबा समा हो गया कोई संघर्ष तकड़ा नहीं दिता गया, क्योंकि हर एक चाहता है भी संघर्ष तकड़ा आवे तां ही आपां जित प्राप्त कर सकांगे। नहीं देखो संघर्ष तो हुण इन्हां दिनां च किसानां ने झोना वढ़ना सी, अपनी कणक बीजनी सी, उत्तों सरकार ने किसानां नूं खराब कीता, DAP नहीं दित्ती गई, जिहड़ी सरकार एक मुल दी चीज़ मनमर्जी दा रेट ला के लोकां नूं दे सकदी ते इहने फ्री च लोकां नूं की देना हैगा। तो सरकार ने पूरियां हर पासे साजिशां कर रही है किसान नूं खराब करन दीआं, वह भावें केंद्र दी सरकार होवे भावें पंजाब सरकार होवे, कोई सियासी पार्टी नहीं चाहुंदी कि किसान अंदोलन जित्तण। इस करके हुण तां जदों इह सारा समां किसान रुझे होए सीगे ते इन्हां दिनां तां कोई एक्शन दित्ता नहीं जाणा सीगा, तो साल पूरा होण ते वड्डा एक्शन आ कि लोक वड्डी गिणती च बार्डरां ते जाण। और 29 नवंबर तो जदों पार्लीमेंट का सरद रुत्त का सैशन शुरू होना, तो हर रोज़ हजार बंदे ने 500 गाजीपुर तो 500 टिकरी बार्डर तो जिहड़ा हैगा वह दिल्ली के अंदर जाना हैगा, जां गिरफ्तारियां होणगियां, जां अंदर पक्का धरना जिहड़ा हैगा वह ला के जिहड़ा बैठांगे। संयुक्त किसान मोर्चे का हुण फैसला हो चुका। दूजी गल करिए, सुप्रीम कोर्ट वालों कहा गया कि रस्ते खिलाउण, क्योंकि गाजीपुर रस्ता भी थोड़ा खोल दिता गया हैगा, उस लगातार किवें भूमिका देखो कि लगता है कि यह धरना चुकया जाऊगा उत्थों जां चुकण दीआं जिहड़ियां गल्लां चल रही ने, क्योंकि कितने कितने भी गल आउंदी वी किसान धरना चुक देने, क्योंकि बार्डर खिलाने की गल की जा रही थी, तो लगातार ये जो संयुक्त किसान मोर्चे के वकील उन्होंने भूमिका तुम कि देते हो सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने तत्व दिए ने। देखो जेडे संयुक्त किसान मोर्चा वालों वकील पेश हुए उन्होंने मोर्चे को ढा लाने की कोशिश की, जो ये जनवरी की गल आ कि खेती कानून के उपर यह गल आई कि कमेटी बना दें, क्योंकि पहला केंद्र सरकार ने कहा भी सौदा करते ने रद्द करते,
फिर उन्होंने कहा भी सस्पेंड कर देने, असी वो भी गल रद्द करती, असी कहा भी कानून रद्द कराने। जो कमेटी बनाने की गल आई तो सुप्रीम कोर्ट के जिहड़े मुख मतलब जिहड़े यानि कि बार कौंसल के प्रेजिडेंट ने दुशंत दवे, बहुत सीनियर वकील आ, एच एस फूलका उन्हों का सारे नाम जानते, प्रशांत भूषण, कोनन गुंसालवास, इन्होंने सानू ऑफर किया कि असी थोड़ी जिहड़ी हैगी मदद वो करते हैं। तो असी सानू ऐसी भी बहुत सारे लोग मोर्चे की मदद कर रहे, भी कानूनी मदद करे, तो असी उन्होंने बहुत स्पष्ट कहता सीगा कि असी कोई कमेटी नहीं बनाऊंगी, असी सुप्रीम कोर्ट के एंटर नहीं करना गा, जे साडे वल्लों गल कहण दी कोई गल आवे तो तुसी ये कहना कि केंद्र सरकार मसला हल करे। पर होया उल्ट, संयुक्त किसान मोर्चे की पोजीशन के उल्ट जांदियां दुशंत दवे ने यह कहा भी हाँ कमेटी बनाई जा सकती है, उहदे जस्टिस लोधा नूं पाया जा सकता, 26 जनवरी की जिहड़ी ट्रैक्टर परेड सी भी वह भी रोकी जा सकती है, ये गल उन्होंने कही। तो जदों असी क्योंकि पहला एच एस फूलका को जाते फिर दुशंत दवे को जाते, असी उस दिन ही शाम को जदों जाके क्योंकि जी उस मामले में कमेटी देख रही सी संयुक्त किसान मोर्चे वालों, वो मैं भी शामिल सीगा, जो असी जाके एच एस फूलका इतराज किया कि दुशंत दवे ने इदा किमें कहता, असं तो कमेटी बनाना नहीं चाहते सी, कौन होंगे कहने वाले। तो एच एस फूलका ने बड़ा तलखी चा के यहा कि भी दुशंत दवे तो बहुत व्डा वकील आ, उन्होंने कुछ कहा जा सकता, असी आख्या भी दुशंत दवे जिड्डा मर्जी व्डा वकील हो पर साड़ी इस लड़ाई तो व्डा नहीं, किसानों के संघर्ष तो व्डा नहीं है। तो इस गलते जिस तरह का एच एस फूलका का रुख सीगा वो बेहद ही माड़ा सीगा। उस तो बाद असी दुशंत दवे के घर गए, दुशंत दवे ने भी बड़ी जिहड़ा उन्हों का रवैया से वो एक बदतमीजी वाला जिहड़ा रवैया सीगा, पर उत्थे साड़ी बहस हुई, असी कहा भी सानू ये गल मंजूर नहीं। तो उस दिन रात नू लगभग 11:15 बजे फिर उतो एक बयान बना के वह भी इस गलते उन्होंने लिया कि असी कोई कमेटी नहीं बनाऊगी। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून सस्पेंड करते कमेटी बनाती, उदों जो उन्होंने कमेटी बनाई कानून सस्पेंड किए, अखबारों साडा बयान छप चुका संयुक्त किसान मोर्चे का कि सानू कोई कमेटी जी सुप्रीम कोर्ट की नहीं मंजूरगी। तो उन्होंने वकीलों ने तो साड़ी उत्थे जिन्होंने कहते ठिब्बी लाने की कोशिश की, तो हुण जो किसी ने पटीशन पाई के रस्ते खोले जाण, तो दुशंत दवे ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट के असी रामलीला जाने तैयार हाँ, वो किंदे भी आपसे कह रहे हैं किंदे भी किसान मोर्चा तो रामलीला ग्राउंड में जाना नहीं चाहता, वो बार्डर से हटेंगे। बिल्कुल साडा रामलीला जा मैदान जाने का की मतलब हैगा, तो साडा तो सख्त इतराज सीगा कि भी दुशंत दवे का सानू बाद च पता लगा भी गुजराती आ, ये बे तो गुजरातियों का पक्ष पूर रहा है ठिब्बी लवाने की जी कोशिश कर रहा है। तो पंजाब दी 32 जथेबंदियों का बिल्कुल साफ आ कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, ना सुप्रीम कोर्ट का इदा का मामला हैगा, जेडे रस्ते खुले आ चाहिए रह गए भी वह भी बंद किए जा, रस्ते खोलन का कोई मतलब नहीं बनता गा। इस करके जोड़ा वो सुप्रीम कोर्ट के जोड़ा वकीलों की भूमिका सी बेहद ही माड़ी और मोर्चे को ढा लाने वाली सी, इस करके असी इन वकीलों जो नहीं बर्दाश्त करेंगे। दूजे पास गल करिए जिमें चनूली साहब हम राजनीति तौर पर चल पे ने, दूजा गल करिए आप गल करिए पंजाब की, तो पंजाब जिमें पिछली लगातार घटना आ रही है भी फिरोजपुर के भी जी घटना सामने इदा की घटना सामने आ रही है, क्योंकि चोणा जो नजदीक आ रही है माहौल इदू राजनीतिक लीडर का होर गर्म होना, कि लगता नहीं कि इस चीज़ नाल जे बिल रद्द नहीं होंगे गए तो पंजाब दे विच भी ज़्यादा माहौल खराब होगा, क्योंकि जिवें जो फिरोजपुर में घटना उसे गोली भी चली आ, हालांकि दोवें पासे परचे दर्ज किए गए। देखो माहौल खराब करने वास्ते तो सियासी पार्टियां जिम्मेवार ने, जो उन्होंने कहा जो तक चोण जाबता नहीं लगता, पंजाब की किसानी जिंदे वास्ते तुसीं इह खेती कानून बने आ पिछले 30 सालों तो कारपोरेट लगातार खेती खेत्र चाउण की कोशिश कर रहे हैं, जदों दीआं निजीकरण दीआं नीतियां आईआं ने, किसी भी पार्टी ने भावें केंद्र च सी भावें सूबियां च सी किसी ने भी डटवां विरोध जिहड़ा इन्हां नीतियां दा नहीं कीता। ते अज जदों किसान लड़ रहे आ तुसीं वोटां दा माहौल बना के लड़ाई नूं क्यों ढा लाउणा चाहुंदे हो, जदों चोण जाबता लग गया उदों प्रचार करी जाइओ जी, कि तुसीं रुक नहीं सकदे गे। तो इस करके ये जिहड़ा हैगा सियासी पार्टियां इस तरह का माहौल जिहड़ियां ने बना रही ने फिरोजपुर की घटना वास्ते, जिहड़े किसान जिम्मेवार वो नहीं गे, उहदे वास्ते जिहड़ा अकाली दल जिम्मेवार आ जिन्हें जिहड़ी हैगी आ गोली उह चलाई हैगी आ। दूसरी गल जिहड़ी तुसीं इह कीती हैगी गुरनाम सिंह चडूनी की गल, गुरनाम सिंह चडूनी बारे पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां दा बिल्कुल साफ ये मनना हैगा कि वो रोकया नहीं रुक रहे गए,
वो शायद किसी अपने होर मफाद के तहत काम कर रहे हैं और मोर्चे को लगातार जिहड़ी हैगी आ ढा लाउण की कोशिश कर रहे हैं। तो हुण तां हरियाणे दीआं ज़्यादातर जथेबंदियां भी इस चडूनी दी इस गल दे खिलाफ आ कि उहनूं इह काम जिहड़ा वो नहीं करना चाहीदा गा। गुरनाम सिंह चडूनी नूं पंजाब पहलां तां कदे नहीं याद आया, उन्होंने पहला तो कदे पंजाब के मुद्दे नहीं याद आए, पहला तो पंजाब जिहड़ी भ्रिष्ट सियासत सी वह नहीं याद आई, उन्होंने किसान अंदोलन के दौरान ही क्यों आई क्यों आई। और मैं ये दावे नाल कहना कि 2022 दीआं चोणां तो बाद जे गुरनाम चडूनी दे हत्थ पल्ले कुछ ना पिया गा उस तो बाद उन्हें कदे भी इत्थे चोण लड़न नहीं आउणा गा। जे उस तो बाद कदे भी चोण लड़न नहीं आऊगा इहदा मतलब है कि इस अंदोलन के दौरान ही चोण लड़ के वह किसी ना किसी दे हित की पूर्ति वास्ते गुरनाम चडूनी जिहड़े हैगे ने वह कम कर रहे हैगे आ। उन्हां नूं इस कम तो जिहड़ा बाज आउणा चाहीदा। जदों उन्हां नूं मोर्चे चों सस्पेंड किया गया सीगा और बाद च जिहड़ी कमेटी बनाई गई सी कमेटी कोले उन्हें मन्निया कि मैं ये काम अगे नहीं करूँगा, पर उस तो बाद फिर आप अपनी जवान तो फिरदे आ फिर उन्होंने ये जिहड़ा सारा कुछ वो किया होया। तो ये 32 किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो फैसला कर चुकियां ने कि पंजाब दे लोक गुरनाम सिंह चडूनी दी इस इन्हां गल्लां दे विच ना आउण और सिर्फ तो सिर्फ मोर्चा मजबूत करन ते उन्हूं जित्तण वाले पासे जिहड़ा ध्यान आ उह देण। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਲੀ ਭਾਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਮਫਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸਕਿਅਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਲਮੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਲੀਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖਿੱਚੇ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਟੇਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਮੰਗਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਊ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੂਗੀ, ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰੀਦੂ ਕੰਪਨੀ, ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੋਰ ਕੰਪਨੀ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੂਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 1993 'ਚ ਕਾਵਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ MSP ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
2001 च शंकर लाल गुरू की कमेटी की रिपोर्ट जिहड़ी कहिंदी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म कर देना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लीगलाइज कर देना चाहिए, MSP खत्म कर देना चाहिए। 2001 च मनटोक सिंह आलूवालिया की रिपोर्ट, 2016 शांता कुमार की रिपोर्ट जिहड़ा कहिंदा FCI यानी कि जी केंद्र की खरीद एजेंसी वो भंग कर देनी चाहिए है, कोई सरकारी खरीद नहीं होनी चाहिए ना। 67% लोगों जो राशन डिपू तो सस्ता राशन मिलता वो घटा के 40% लोगों जोड़ा है वो करना चाहिए है। तो ये पिछले 30 साल तो जोड़े लगे हुए आ, इस करके 30 साल जिथे पहुँचे है हूँ उन्होंने आप साल जाम किया हो, इस करके 30 साल तक जिथे पहुँचे आ उन्होंने 30 साल पिछे धक्न वास्ते जे 2-3 साल लड़ना भी पैंदा ते दम ला के लड़िए ता ही साडियां जमीनां ते आने वाली पीढ़ियां वास्ते जिहड़ी रोटी हैगी बच सकती है, वो ता ही बच सकती है जे तीनों कानून रद्द होणगे ते MSP दे उपर कानून बनन की जिहड़ी गल आ वो चलूगी, कानून बनूगा। इस करके इस तो उरां कोई भी जड़ा होगा वह जित नहीं होगी, तो वह समझौता होगा, समझौते फिर एक धिर जित्ती नहीं होंगी, वो चीज़ा बराबरी वाली होंगे। धन्यवाद जी। हाँ, ये सर रजिंद्रदीप सिंह जिन्होंने वालों हूँ तक किसानी मोर्चे के संघर्ष बारे गलबात की गई, तो ही किया कि आने वाले समय के जो तक खेती कानून रद्द नहीं होंगे उन्होंने संघर्ष दिन जारी रहेगा, और नाल ही जो आने वाले एक साल के समय के बाद एक जो प्रोग्राम रखा गया उस चढ़ के किसानों को पहुँचने की अपील की जाती है कि किसान वध चढ़ के पहुँचने ता ही जो किसान जित प्राप्त कर सकेंगे। फरीदकोट तो जगमई टीवी लिए जगतार दसवाल। देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो Facebook ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।